नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। ये बात करते हैं झारखंड की खबर की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें झारखंड में 26 फरवरी से 23 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया गया। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बैठक में लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी देने की स्वीकृति मिली, तो वहीं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU होगा, जिसमें राज्य सरकार को 303.62 एकड़ जमीन हस्तांतरित करनी होगी। ये कार्मिक विभाग का मामला है, जिसमें कि सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधित नीति में संशोधन किया गया है। ये संशोधन दो बिंदुओं पर है। एक बिंदु यह है कि अभी तक ये था कि कोई मृत व्यक्ति होगा, मृत सरकारी सेवक होगा, तो उसी आदमी आ सकता। चलिए, तो इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं रांची से हमारे साथ। रांची में कैबिनेट की बैठक हुई कृष्णा, और 45 एजेंडों पर मुहर लगी है इस बार कैबिनेट की बैठक में झारखंड में। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं उसमें सामने निकल कर आ रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, बहुत वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नियोजन नीति थी उसको रद्द कर दिया गया। जो रघुवर सरकार में नियोजन नीति बनी थी अनुसूचित जिले और अनुसूचित जनजाति जिले को लेकर के, 13/11 को लेकर के, सोनी कुमारी करके ये याचिकाकर्ता थी, जो उसके बाद वो सबसे अभी हाईलाइटेड मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो नियोजन नीति थी वो हाई कोर्ट भी उसको स्टे लगा चुका था पहले ही। उसके बाद जो अभी नई हेमंत सरकार ने उसको रद्द कर दिया है साफ तौर पे। अब इसमें देखने वाली बात होगी। ऐसे तो आपको बता दूं कि जो उसमें जो नियुक्ति हो गई है, जिनकी नियुक्ति, उनकी तो नौकरी नहीं जाएगी, मगर जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई है उनके ऊपर तलवार लटक चुका है, उनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, फिर भी अब उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, मगर अब उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कम से कम 3000 से अधिक पंचायत सचिव कर्मी है जो उनकी नियुक्तियों पर तलवार लटक चुकी है, वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करो। और तमाम मुद्दे पर एक और मुद्दा है यहाँ पर कि जो कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको लेकर के एक कमेटी की गठन की गई थी, मगर उनको लेकर के भी अभी चर्चा जो ये है कि उनको आगे क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार से बात की जा रही है। अभी आपको पता होगा कि कल 14वें 20 आयोग वाले पंचायत सचिव जो कर्मी है वो लगातार 48 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात भी की थी कल वहां पर, जब वो मंत्री के आवास का घेराव कर रहे थे उस वक्त बात भी की, उनको समझाया भी गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि कल जो है यानी कि आने वाले दिन में अब उस पर बात की जाएगी, जो 14वें वित्त संविदा कर्मी है उसको लेकर जो है कार्यकाल है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। ये कहां तक सही है? देखिए, ये जो बढ़ाने की बात हो रही है, फिर से आवेदन उनको करना होगा ये बात चल रही है, उनको कुछ छूट दी जाएगी, जो एग्जाम में है उनको ग्रेस दिया जाएगा, ये बातें चल रही है, मगर उनका कहना है कि क्यों नहीं फिर से हमको 15वें वित्त आयोग में नियुक्ति दी जाती है, क्यों हमको हटाया जा रहा है। वो लगातार कर रहे हैं, लगातार 48 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कृष्णा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 3 मार्च को बजट पेश होगा, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अब इनको बजट पे सुना उससे कोई, हम लोग कल मंत्री से बात कर रहे थे तो कोई ये अभी सामने कोई नहीं आया, बोला कि अगर अभी टाइम है उस पे आपको बता दिया जाएगा आगे क्या और कैसे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे से बात करने के लिए। चलिए, तो कैबिनेट की बैठक हुई है झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई और 45 एजेंडों पर मुहर लगी है और इस पर जो है 3 मार्च को जो है उसे बजट भी पेश किया जाएगा, और विधानसभा सत्र की जो बात हुई है वो भी 26 फरवरी से मार्च तक जो है विधानसभा सत्र को भी चलाया जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।